नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। जी हां, इस बार की थीम है ईच फॉर इक्वल। इक्वल हम तभी होंगे जब हर जगह पर हम बराबरी से होंगे और खुद को हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं में ये प्रवृत्ति सामान्य तौर पर होती है कि महिला या तो पति, परिवार, अपने बच्चों के बीच ऐसी घिरी हुई होती है कि वो इस बीच अपनी सेहत को इग्नोर करती चली जाती है और समय के साथ हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं गंभीर बीमारी का शिकार भी हो जाती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि सबसे पहले आप अपनी सेहत के बारे में सोचें, फिर वो शारीरिक सेहत की बात हो या फिर मानसिक सेहत की। तो क्यों जरूरी है इस पर चर्चा करना, आज इस पर हम करेंगे अपना कार्यक्रम। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। महिला जब स्वस्थ होगी तो जाहिर सी बात है उसका परिवार भी स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन होता है और जब मन खुश होगा तभी वो परिवार की जिम्मेदारियों को खुशी पूर्वक निभा भी पाएगी। इस पर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे साथ में डॉक्टर पूजा कढ़ी। डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर पूजा। जैसा कि इस बार हमने देखा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे में जो थीम है वो बहुत प्यारी सी है, उस पर मुझे लगता है शुरुआत में चर्चा हमें करनी चाहिए, ईच फॉर इक्वल। इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? जैसे हमें पता है कि महिला और पुरुष को हमेशा से हम ये मानते हैं कि इक्वल होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम आज भी महिलाओं को उतना इक्वल नहीं मानते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इसमें हमें महिलाओं को आगे लाना चाहिए। सरकार भी इसमें बहुत मेहनत कर रही है। आपने देखा ही होगा कि हम स्पोर्ट्स में, आर्मी में, नेवी में, सब जगह महिलाओं का अच्छा अग्रिम हो रही है। और सेहत के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम खुद सेहतमंद होंगे तो ही हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो सेहत का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हो या मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो, चाहे कोई भी हेल्थ हो, आपको उसमें फिट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, अभी जो आपने चर्चा की उसमें आप देखिए कि परिवार में हम पुरुषों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो बच्चा है, पति है या हमारे सास ससुर हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे हमारा ध्यान रखें। महिलाओं में ये टेंडेंसी कि वो खुद अपने हेल्थ को कई बार इग्नोर करती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लेकर वो झिझक भी करती हैं, चाहे पीरियड्स की बात हो, चाहे प्रेगनेंसी की बात हो, डिलीवरी की बात हो, मीनोपॉज की बात हो, ऐसे बहुत सारे पड़ाव एक महिला पार करती है। तो मुझे लगता है इसके लिए भी जागरूक होना, खास करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कितना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अभी बात की कि महिलाओं में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, तो इसमें बहुत ढंग से तो हम जागरूक हो चुके हैं। फैमिली भी अब हमारा बहुत सपोर्ट करती है। एंड जैसे हम मानते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आजकल एक सक्सेसफुल औरत के पीछे उसके हस्बैंड का और उसकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एक सेहतमंद अगर महिला माने तो उसे कहीं भी झिझकना नहीं चाहिए। अगर अपनी कोई तकलीफ है या कोई भी छोटी से छोटी परेशानी है, उसे जल्द से जल्द शेयर करके डॉक्टरी सलाह लेके उसे ठीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर पूजा, जैसा कि अभी हमने कहा कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाएं कई बार तो खुद से भी है या मजबूरी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उसकी जानकारी उनको होती है और उसका इलाज भी हो जाता है। लेकिन जिस पर मुझे लगता है कि हमें ज्यादा गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए वो होती है कॉस्मेटिक, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जिसपे अगर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो कई बार अपने पति से भी शेयर नहीं करना चाहती हैं, और आपको लगता है कि ये जो टेंडेंसी है ये ज्यादा घातक होती है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको महिलाएं फेस कर रही होती हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहती, छुपा कर रखती हैं? हाँ, ऐसे महिलाओं में ये बहुत सहनशीलता की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा सहनशील होती है और अपनी तकलीफ को बहुत जल्दी नहीं बताती, चाहे वो कोई भी तकलीफ हो, खास करके शारीरिक। तो ऐसे में अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, लीक हो रहा हो, या फिर प्रोलैप्स के बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि सालों से महिला उस चीज़ के साथ रह रही होती है, या फिर कोई भी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात की जाए, या फिर
कोई भी मानसिक रूप से भी अगर कोई महिला को कोई टेंशन है या कोई बात उनको सता रही है पर वो उससे खुल के बात नहीं कर पाती है, ना वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है ना वो अपने डॉक्टर से शेयर करती है, तो ये डिपार्टमेंट जो हमने एक साल करीब हो गया है इसको स्टार्ट किए, और ऐसी महिलाएं आ रही हैं जो कि सालों से करीब 12 साल 15 साल से वो तकलीफ़ के साथ रह रही हैं, और अब जब उन्हें इस चीज़ का साधन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, तो वो बहुत खुश है। एक साल का जिक्र आपने किया, मुझे याद है कि हमने पहले भी इस पर शो किया था डॉक्टर पूजा, और उसको लेकर आज का जो प्रतिक्रिया है खास करके छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में, क्या महिलाएं आपके पास पहुंचती हैं ऐसी समस्या लेकर, और पहुंचती हैं तो उसका समस्या का समाधान किस हद तक हो पाया है, कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका? जो महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं या जिन्हें हमें अभी तक पता चला है इस डिपार्टमेंट के बारे में और वो इलाज कराए हैं तो बहुत खुश हैं, और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम ये समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब हमें इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जीवन जीना है, तो ये सब चीज़ों का अगर आपको सोल्यूशन मिल जाए या कोई समाधान मिल जाए, इलाज मिल जाए, तो वो बहुत हद तक कि उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। अच्छा, डिलीवरी के बाद में जैसे डॉक्टर पूजा, अगर सामान्य प्रसव हुआ है महिला का और कुछ समय के बाद अगर उसको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोलिंग पावर उसका खत्म हो रहा है, तो उसको ये लगता है, वो ये जोड़ लेती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मुझे ये प्रॉब्लम होनी ही है, क्या ये सच है, मिथ है, या आगे चलकर इसका ट्रीटमेंट होता भी है? जी बिल्कुल, ये मिथ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के साथ या प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होने हैं वो तो होते ही हैं, और उन चेंजेस को हम फिर से प्री प्रेगनेंसी स्टेट पे लाके रख सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, तो जो यूरिन लीक होना है या फिर लैक्सिटी होती है योनि में, उस वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी अफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी डिज़ायर या ऑर्गेज्म काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो ऐसे में महिला बोल नहीं पाती है कि उन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है या उन्हें क्या चाहिए है, तो उस चीज़ का अगर हम हल दे देते हैं तो उनके फैमिली में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है, हस्बैंड वाइफ के जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स है, या कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो एक सीवियर रूप भी ले सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है महिला को, तो वो भी हम इसमें काफ़ी हद तक उसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो तकलीफ है डॉक्टर पूजा कि सालों से महिला इसके साथ में रह रही है, जैसा कि आपने अभी प्रोग्राम से पहले जिक्र भी किया कि कई महिलाओं को तो जॉब भी छोड़ना पड़ा, घर पर रहना पड़ता है, संकोच करती हैं, और इसका असर धीरे धीरे फिर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, तो ये क्या कोरिलेट है कि फिजिकल हमारी जो अनफिट प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ पर भी डिस्टर्ब करती है? जी बिल्कुल, जैसे अगर हमें अंदर से ही स्वस्थ नहीं लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, तो अगर आप उस चीज़ की वजह से अपना रोज का काम भी आपका अफेक्ट हो रहा है, जो कोई ऑफिस जा रहा है उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है पर वहाँ वो सुविधा नहीं है, किसी का फील्ड वर्क है, किसी को कोई काम में आसानी से वो नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है, ऐसे में कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया है, जिस वजह से वो घर में बैठ के और डिप्रेस्ड हो गई है, तो वो डिप्रेशन से जूझ रही है और वो डिप्रेशन का उनका समाधान नहीं मिल रहा था, तो उस अगर आप इस समस्या का अगर निवारण करते हैं या यूरिन लीक हो रहा है या कुछ आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है, इंटीमेट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप बेझिझक होके बात करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सिर्फ घर परिवार की ही नहीं, समाज की बल्कि देश की धुरी है, और उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित भी किया है, लेकिन कई जगह पर जाकर वो थोड़ी सी कमजोर होती हैं, ऐसे में उस परिवार के उस समाज के पुरुषों की भी जिम्मेदारी होती है कि उनकी तकलीफों को वो नजरअंदाज ना करें, उन्हें खुद होकर कई बार डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो मेंटल सपोर्ट भी मिलता है और उनको फिजिकल जो प्रॉब्लम है उससे निजात भी मिलता है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है डॉक्टर पूजा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी की बात होती है तो या वो अपनी सास के साथ या वो अपनी माँ के साथ पहुंचती हैं, किसी महिला के साथ जाती हैं, ऐसे समय में अगर हस्बैंड हैं और बच्चे हैं वो बुजुर्ग अवस्था में अपनी माँ के साथ जाते हैं, तो एक मानसिक सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, और मुझे लगता है कि उनको अंदर से हिम्मत भी मिलती है अपने प्रॉब्लम शेयर करने में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे हमने कहा कि इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हर बात में होना चाहिए, जैसे हम हमारे घर के मेल पार्टनर्स का या पुरुषों का ध्यान रखते हैं, वैसे उनका भी उतना ही फर्ज बनता है कि वो महिलाओं का भी ध्यान रखे, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो या बहन हो या कोई फ्रेंड हो या कलीग हो,
तो ऐसे में अगर आप उनका सपोर्ट करते हैं या आप उस चीज को सीरियसली लेते हैं या बात करते हैं तो कम से कम आपको उनको उतनी हिम्मत मिलेगी कि आगे जाके वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। इसके ट्रीटमेंट पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं डॉक्टर पूजा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर यूरिन लीक हो रहा है या उनका कंट्रोलिंग पावर खत्म हो रहा है तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या सर्जरी होगी या मेडिसिन होगी या क्या होगा? मुझे लगता है ये मौका है कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई महिला आती है अपने प्रॉब्लम को लेके तो उसे एक्सरसाइज बताई जाती है, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट बताया जाता है, कुछ एक्सरसाइज होती है जो कि हर महिला को करनी चाहिए, जैसे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है, कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, तो ऐसे में ये करने से जो टोन आपका चला गया है उम्र के साथ या डिलीवरी के बाद वो वापस लाने में मदद होती है। और साथ साथ में ट्रीटमेंट भी होता है इसमें कि बिना ऑपरेशन के भी होता है और ऑपरेशन से भी होता है। जो सीवियर कंडीशंस होती है उसमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर आप जल्दी अपनी समस्या को बता दें, जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो उसे बिना ऑपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है, जिसमें कि एक थर्मीवा प्रक्रिया होती है या फिर पीआरपी के इंजेक्शन्स। आपने सुना होगा कि आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो खुद के ही ब्लड को प्रोसेस करके खुद के ही बॉडी में एज ए ट्रीटमेंट इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक कि हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को रीजनरेट करती है। जहाँ भी हमें जो टिश्यू में कहीं कुछ प्रॉब्लम है या सेंसेशन कम है, सेंसिटिविटी कम हो गई है या हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को भी डेवलप करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का हर बार एक ऑपरेशन ही सॉल्यूशन हो, तो इस डर से काफ़ी महिलाएं नहीं आती हैं। पर अब चूंकि बिना ऑपरेशन के ही बहुत सी समस्याओं का निवारण है, तो ऐसे में बहुत इजी वे में इलाज हो सकता है और हो रहा है। जी डॉक्टर पूजा, ट्रीटमेंट पे चर्चा की, मुझे लगता है कारण पर भी हमें चर्चा करना चाहिए ताकि उस पर भी महिलाओं का ध्यान रहे। पहले के समय में ये था कि बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, 3 से 4 बच्चे हैं वो भी नॉर्मल डिलीवरी से होते थे। उस समय पर हमने देखा कि वजाइना बहुत ज्यादा जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, कई बार स्टिचेस की वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्या यही एक कारण है या बढ़ती उम्र के कारण है या कुछ इन्फेक्शन है, क्या मुख्य कारण आप देखती हैं इसमें? मुख्य कारणों में हम 2-3 कारण ये बोल सकते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन कंटेंट है, वो कम होता जाता है, कोलेजन का मात्रा जो होती है शरीर में वो कम होती जाती है, उससे स्ट्रेंथ कम होती है। फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी है या प्रेगनेंसी में भी वो स्ट्रेंथ और कम होती है, और साथ साथ में कुछ इशू होते हैं जैसे जेनेटिक्स के होते हैं कि कहीं जेनेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम है या न्यूट्रिशन में है, जैसे कि इंडियन महिलाओं का जेनेटिकली वी आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कुछ देशों में फॉरेन कंट्रीज में उनका खान पान ही बचपन से उतना हाई प्रोटीन वाला होता है, पर हमारे यहाँ क्योंकि हमारी थोड़ी सी डाइट्री हैबिट्स ऐसी हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है रादर प्रोटीन की होनी चाहिए, तो वो प्रोटीन की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा जेनेटिक्स उससे काफी हद तक के डेवलप और हो सकता है, ताकि हम और बच्चों को भी वो हैबिट में ला सके, ताकि उनको भी आगे अच्छी सेहत मिले। अच्छा, इसमें लक्षण क्या है कि कई बार ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा सर्दी खांसी के दौरान हम ये देखते हैं कि यूरिन अगर लीक हो रहा है उसको सामान्य समझकर इग्नोर करते हैं, लक्षण क्या होगा कि इस पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है किसी महिला का, अलर्ट कब होना होगा डॉक्टर के पास जाने के लिए उसको? देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स के रूप में अगर पूछेंगे तो 30-40% लेडीज में ये प्रॉब्लम रहती है, और अगर आप इस चीज को कैसे अवॉइड करेंगे तो इसमें हाई प्रोटीन डाइट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, और साथ साथ में एक्सरसाइज। अभी तो महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, इवन अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हुए भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सुलझा सकते हैं। एक्सरसाइज में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों ने भी करना चाहिए, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है वहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये काफी हद तक के आगे भी उनको हेल्प करेगा। बिल्कुल, महिला से जुड़े हर उस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जिसको महिला किसी के सामने कहने में, बात करने में या कई बार अपने डॉक्टर से बोलने में भी झिझकती हैं, तो ये झिझक छोड़नी होगी, क्योंकि अगर आपको बराबरी से सेहत बनानी है तो आपको झिझक छोड़ के आगे आना होगा। ये तो ठीक है कि परिवार आज जागरूक हो गया है मैम, और ज्यादा परिवार में हमने देखे कि अब 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी पहले बच्चे के बाद में जब दूसरे बच्चे की तरफ बढ़ना है एक गैप जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, और कई बार इसमें जो गर्भ निरोधक जो उपाय हैं
उसको चूज करने में महिलाएं संकोच करती हैं और कई बार ये होता है कि उसको बार बार एबॉर्शन की तरफ जाना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। इस समय पर काउंसलिंग सलाह और वो साधन कैसे करने चाहिए महिलाओं को? गर्भ निरोधक सलाह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की, कई पेशेंट्स आते हैं जो कि शादी के जस्ट बाद प्रेगनेंसी रह जाती है, पर वो क्योंकि बहुत कम टाइम होता है शादी के लिए, तो वो उस टाइम पे वो प्लान नहीं करना चाहते हैं, या करियर के चलते या बच्चा छोटा है उस चलते, तो ऐसे में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी बॉडी पर उसका बैड इफ़ेक्ट ना हो। तो ऐसे में बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है, या फिर कॉपर्टी लगवा सकते हैं, या फिर कॉपर्टी जैसा ही एक हार्मोनल डिवाइस होता है जिसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो कॉपर्टी से होती है थोड़ी बहुत, वो और भी कम हद तक के आपको फेस करनी पड़ती है। और इंजेक्शंस भी आ गए हैं, और ये सारी सुविधाएं आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो आप कहीं भी अपने आसपास के डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी जाके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, ताकि आपको ये अनचाही प्रेगनेंसी से होने वाले इफ़ेक्ट्स और उससे होने वाली आपको प्रॉब्लम, मानसिक तनाव से जूझना ना पड़े। बिल्कुल मैम, वैसे तो आज की महिला जागरूक है, लेकिन अभी भी गाँव में अगर हम देखें तो गर्भ निरोधक गोलियों को लेकर महिलाओं के मन में एक भ्रांति है कि जितनी सफेद गोली है उसे तो हमें खाना है, लेकिन वो जो मरून गोली है उसकी क्या जरूरत है? तो ये जो पूरा बना हुआ है जो सिस्टमेटिक, ये क्या है, और क्या इसको लेने से किसी तरीके का हार्मोनल इंबैलेंस होता है क्या? ये भी एक सवाल जरूरी है मुझे लगता है अवेयरनेस के लिए। गर्भ निरोधक के चलते ना बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिससे कि हमें बिल्कुल मतलब अच्छे से डॉक्टर से क्लियर कर लेना चाहिए और उसे मन में नहीं बिठाना चाहिए। इसमें कई पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर हम दवाई नहीं लेंगे, इससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है वो, पर आजकल न्यू पिल्स आ गई हैं, वो पिल्स लेने से आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, आपको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ना के बराबर हो गए हैं। और उसमें जो अलग कलर की दवाइयां जो होती है, कई गोलियों का पैकेट 21 दिन का होता है, कोई 24 दिन का होता है, कोई 28 दिन का होता है, तो अलग अलग मार्केट में पैकेट्स अवेलेबल हैं। 28 दिन वाला या अलग कलर की गोलियों का कंसेप्ट ये है कि उसमें या तो आयरन की टैबलेट्स होती हैं या प्लेसिबो होता है, जिससे कि आपको जो आपको आदत है रोज की एक गोली खाने की, वो आदत आपकी छूटे नहीं, बनी रहे। हाँ, वो आदत बनी रहे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वही एक बात होती है। और दूसरे जो कॉपर्टी से रिलेटेड भी काफ़ी मिथ्स है कि कहीं सरक जाएगी या सूट नहीं होगा, तो ऐसे भी हर पेशेंट का ऐसा नहीं होता है। अगर हजारों लाखों में एक आध पेशेंट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उस चीज़ से डर के हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे लगता है काफ़ी अहम ये चर्चा है डॉक्टर पूजा, और आज के दिन कुछ खास ऐसे टिप्स मुझे लगता है आपको महिलाओं को देने चाहिए, चाहे वो शहर की महिला है, चाहे गांव की महिला है, गृहिणी है, कामकाजी, सभी के लिए वो टिप्स मुझे लगता है देना चाहिए। टिप्स में हम बस यही कहेंगे कि चुप मत रहिए, अपने बात को रखने की हिम्मत जुटाइए, और आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सब हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो बेझिझक अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, डॉक्टर से बात कीजिए। अपने मन में कोई बात ऐसी मत रखिए जो आगे चल के उससे तकलीफ हो, या वो बढ़ने से आपके रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, या आपकी हेल्थ पे वो प्रॉब्लम हो। बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारी आज आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो थीम है, एज फॉर इक्वल, इक्वल आप तभी होंगे जब आप अपनी सेहत के बारे में खुद से सोचेंगी। कोई भी बीमारी अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो वो ठीक हो सकती है डेफिनेटली, इसलिए जरूरी है कि जागरूक रहिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपसे ही आपका परिवार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।